नमस्कार भाई लोगों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स के बारे में। टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स जो होती है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो, F&B सर्विस में, फूड प्रोडक्शन में, हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, सिक्योरिटी में, कंट्रोल सेंटर में, चाहे आपने कोई सा भी डिपार्टमेंट चूज़ किया है, आपको जो है वो टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा हाई फंडा नहीं बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा आपको, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपकी टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स जो है बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं इसका पूरा का पूरा मैनुअल अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा रिटर्न में, आप जाकर के वहां से मैनुअल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं मुँह से भी बता देता हूँ, इट इज़ CV Bio Resume। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला फंडा तो ये है कि जो लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे उनको हमेशा ये बात बताई जाती है कि बॉस जो फ़ोन है वो हमेशा 3 रिंग में आंसर हो जाना चाहिए। क्या कभी आप लोगों ने अपने टीचर से पूछा कि मैम या सर ऐसा क्यों है कि हमें 3 रिंग में ही फ़ोन उठाना चाहिए, या कभी आपने सोचा कि ये 3 रिंग वाला फंडा क्या है? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, ठीक है, उस दोस्त ने आपके फ़ोन को 3 रिंग में उठा लिया, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, आप उससे क्या पूछेंगे? और भाई कैसा है, राइट? दिस इज द रिप्लाई आफ्टर 3 रिंग्स। लेकिन उसी दोस्त ने आपके फोन को 20 रिंग के बाद उठाया तो आपके मुंह से और भाई कैसा है कि जगह से क्या निकलेगा? गाली निकलेगी, क्योंकि आप एनॉय हो चुके हैं, आप इरिटेट हो चुके हैं उतना रिंग सुन सुन के। सेम इज द केस विद द गेस्ट। एक गेस्ट ने आपके होटल में फोन किया, 2 रिंग हुआ आपने फोन नहीं उठाया, 3 रिंग हुआ आपने फोन नहीं उठाया, 10 रिंग हो गए, 15 रिंग हो गए, आपने फोन नहीं उठाया, गेस्ट जो है ऑलरेडी अनॉय हो गया है। इसका मतलब जब गेस्ट आपसे बात करेगा तो वो ये ऑलरेडी अज्यूम कर चुका है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं बड़े लेजी हैं, मतलब वो अगर मेरा फ़ोन टाइम पर नहीं उठा सकते हैं तो मेरी सर्विस मुझे टाइमली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये 3 रिंग का फंडा है कि 3 रिंग तक लोग जो है पेशेंस में रहते हैं। सो डू नॉट लेट द गेस्ट लूज देयर पेशेंस एंड ऑलवेज रिसीव द कॉल इन 3 रिंग्स। देखिए इस वीडियो को मैंने बड़ा सिंपल रखा है, मैंने इस वीडियो को 3 भाग में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा रिसीविंग द कॉल, मतलब कि ग्रीटिंग ऑफ द गेस्ट, हम कैसे उठाते हैं और कैसे ग्रीट करते हैं गेस्ट को। सेकंड कॉन्वर्सेशन, जो भी कॉन्वर्सेशन होगा आपके गेस्ट के साथ उसमें मैं आपको बताऊंगा भी सिचुएशन हैंडलिंग। और तीसरा है कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब पुटिंग द कॉल डाउन। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसका मतलब है कॉल रिसीव करना। आपने अगर कभी भी कहीं पे भी किसी बड़े होटल में फ़ोन किया होगा तो कभी भी आपको सामने से ऐसे रिप्लाई नहीं मिलती होगी हेलो, राइट? दिस हेलो इज़ अ बिग नो इन एनी इंडस्ट्री। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और जो भी टाइम ऑफ द डे है उस हिसाब से ग्रीट करना है गेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल लेता हूँ XYZ होटल का, कि कोई XYZ होटल है जहाँ पर कि मैंने फ़ोन किया। जब मुझे किसी का फ़ोन आया XYZ होटल में तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं जो मैं नीचे भी लिख दूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ होटल, माय नेम इज आनंद, हाउ मे आई हेल्प यू सर। क्या बोलूंगा मैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ होटल, माय नेम इज आनंद, हाउ मे आई हेल्प यू सर, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ होटल, दिस इज आनंद एट योर सर्विस, राइट? 2 वर्ड में मैंने अपने होटल का भी नाम बता दिया, अपना भी नाम बता दिया, गेस्ट को थैंक यू भी कर दिया फ़ोन करने के लिए, और मैं बोल रहा हूँ बॉस अब मैं आपकी सर्विस में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सो दीज 2 स्टेटमेंट यू कैन यूज़, थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ होटल, माई नेम इज़ आनंद, हाउ मे हेल्प यू सर, या मैम थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ होटल, दिस इज़ आनंद मिश्रा एट योर सर्विस, नाउ दिस इज़ हाउ यू रिसीव द कॉल। पहला फंडा क्लियर हो गया। सेकंड होता है कॉन्वर्सेशन, जब हमारी गेस्ट से बात होनी शुरू होगी। देखिए अब क्या बात होगी, कैसे बात होगी, मैं पूरा का पूरा चीज तो आपको बता नहीं सकता हूं इस वीडियो में, बट फिर भी बेसिक्स बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गेस्ट से बात कर रहे हैं फोन पे, चाहे किसी से भी बात कर रहे हैं, तो आप यू शुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द नॉइज, मतलब ऐसी जगह पर नहीं कि जहां पर पीछे मुन्नी बदनाम हुए गाना बज रहा है और आप सामने फोन लेके खड़े हैं। यू कैन नॉट लिसन टू द कॉन्वर्सेशन क्लियरली। तो आपको किसी शांत जगह पे जाना है या क्वाइट प्लेस पे जाना है और गेस्ट से बात करनी है। आपके पास हमेशा एक पेन और पेपर होना चाहिए टू जॉट डाउन एनी डिटेल्स व्हाट एवर ही इज सेइंग। आप हमेशा हंस करके बात कीजिए, क्योंकि आप एक चीज इमेजिन कीजिएगा, जैसे मैंने बोला किसी को फोन पे हेलो, हाँ भाई कैसा है, आप देख रहे हैं मैं सीरियस हूं अभी तो मेरे आवाज भी वैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं हंस के बोलूंगा और भाई कैसा है, यू नो द टोन चेंजेस, बिलीव मी। अगर आप हंस के किसी से बात करें ना, हाँ और हाँ या टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, तो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल व्हाइल यू आर टॉकिंग, दिस माइट साउंड फनी बट ऐसा ही होता है।
आप कभी भी कुछ खाते मत रहिए, ये नहीं कि आप जलेबी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, हेलो, या यस सर, या कुछ गल्प कर रहे हैं, पी रहे हैं और फिर आप बात करें, नो, बी प्रोफेशनल। मुंह में कुछ होना नहीं चाहिए आपके, आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए और आपने बात किया। रेस्टोरेंट्स में अगर फ़ोन आता है तो रिजर्वेशन के लिए फ़ोन आ सकता है। गेस्ट ने बोला आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल इन योर रेस्टोरेंट, आपका सवाल क्या होना चाहिए, जवाब क्या होना चाहिए? ओके सर, फॉर हाउ मेनी पैक्स यू आर लुकिंग फॉर, और अ टेबल फॉर हाउ मेनी ऑफ यू? अब गेस्ट ने बोला मेरे को 5 चाहिए, 6 चाहिए। यू हैव एनी प्रेफर्ड लोकेशन सर? पूल साइड चाहिए, सेंटर में चाहिए, लाइव के सामने चाहिए, जो भी आपके रेस्टोरेंट का जो भी जुगाड़ होगा, ठीक है। उसके बाद गेस्ट ने ये बोला, अब गेस्ट से आप पूछेंगे ओके सर विच टाइम यू आर एक्सपेक्टेड, विच टाइम यू विल बी एक्सपेक्टेड, मतलब आप कभी आओगे। ये नहीं कि हमने गेस्ट का नाम भी ले लिया, टेबल भी ले लिया और अब हमें पता ही नहीं है गेस्ट कब आएगा। तो कितने लोग हैं, कब आएंगे, कहाँ बैठना चाहते हैं, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है सर, एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट, एनी थिंग एक्स वाई जेड, जो भी है आपने जॉट डाउन कर लिया। लास्ट में आपने गेस्ट का नाम लिखा और उसका मोबाइल, कहना है वो कॉन्टैक्ट नंबर सर, गेस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा ताकि अगर कुछ भी चेंजेस हों तो आपने गेस्ट को बताया। तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स। अभी क्या होता है, कभी कभी जैसे कि मेरे को किसी ने फ़ोन किया और वो मेरे से सीनियर से बात करना चाहता है, ठीक है, वो बोला कहना स्पीक टू एक्स वाई जेड पर्सन जो मेरे सामने है नहीं, तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे बताना पड़ेगा। अब मैं उसको बोलूँगा, अब देखिए दो फंडा होता है, कॉल होल्ड करना और कॉल ट्रांसफ़र करना। अभी किसी ने आपको फ़ोन किया और बोला कि कैन आई स्पीक टू आनंद, राइट, एंड यू आर सीइंग कि आनंद जो है वो किसी गेस्ट के साथ बिजी है या आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सर मिस्टर आनंद इज़ बिजी विथ अ गेस्ट, राइट, मिस्टर आनंद इज़ बिजी विथ अ गेस्ट, मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नेम एंड नंबर, आई विल पास योर नंबर टू मिस्टर आनंद एंड ही इज़ गोना गिव यू अ कॉल बैक, ठीक है, या मिस्टर आनंद इज नॉट अराउंड, मे आई नो हुम आई एम स्पीकिंग टू सर, ठीक है, आपने फंडा किया, या मिस्टर आनंद इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, प्लीज़ अलाउ मी टू ट्रांसफर योर कॉल, या आई विल जस्ट गो अराउंड एंड लुक फॉर मिस्टर आनंद, मे आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड सर, यू नो दीज आर सम बटर लाइन जो कि आपको बोलना है, प्लीज़ अलाउ मी टू ट्रांसफर योर कॉल, प्लीज़ अलाउ मी टू पुट यू ऑन होल्ड, मिस्टर आनंद इज नॉट अराउंड, ही इज़ बिजी विथ अ गेस्ट, यू नो, सो दीज आर द थिंग्स जो कि एक लगता है कि हाँ हम किसी प्रोफेशनल जगह पे हमने बात, मतलब हम किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि येस सर नो सर, मिस्टर आनंद इज नॉट हेयर सर, ओके वट कैन आई डू सर, दीज आर प्रॉब्लमैटिक, मिस्टर आनंद इज नॉट अराउंड सर, मे आई नो हुम आई एम स्पीकिंग टू। सबसे पहले तो आपको सामने वाले बंदे का वो पूछना है नाम, कि वो आप बात किससे कर रहे हैं। अभी कल को आपने किसी से बोला कि हाँ ठीक है मेरे मिस्टर आनंद से बात करो, आपने बोला कि मिस्टर आनंद है नहीं सर, ठीक है मैं मिस्टर आनंद को बोलूँगा, आपको कॉल करेंगे, आपने फ़ोन रख दिया। अभी आप मिस्टर आनंद के पास पहुँचे, राइट, मिस्टर आनंद के पास पहुँचे, आपने बोला मिस्टर आनंद आपके लिए किसी का कॉल आया था, तो आपके लिए किसी का कॉल आया था, तो मिस्टर आनंद आपसे क्या सवाल पूछेंगे, किसका कॉल आया था, देन यू विल बी ब्लर्ड कि मतलब बॉस मैंने तो नाम पूछा ही नहीं, तो नाम पूछा ही नहीं, दिस इज़ अगेन अनप्रोफेशनल। ऑलवेज यू हैव टू आस्क मे आई नो हुम आई एम स्पीकिंग टू, मतलब मेरी बात किससे हो रही है, माधुरी दीक्षित से हो रही है, जूही चावला से हो रही है, कैटरीना कैफ से हो रही है, किससे हो रही है, यू नो, हमें हमेशा ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करना पड़ता है, प्लीज़ अलाउ मी टू ट्रांसफर योर कॉल सर, प्लीज़ अलाउ मी टू पुट योर कॉल ऑन होल्ड सर, विल यू माइंड इफ आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड, थैंक यू फॉर बींग ऑन होल्ड सर, आई थिंक द पर्सन ऑन द अदर साइड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द कॉल, कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर सर, आई विल गेट योर कॉल अरेंज, आई विल गेट योर मीटिंग अरेंज, ही इज नॉट अराउंड, यू नो, ये प्रोफेशनल तरीके से हमें बात जो है वो आनी चाहिए, इससे गेस्ट को भी लगता है कि हाँ हमने किसी प्रोफेशनल जगह पे बात किया है। कभी भी आप गेस्ट के टोन्स को या उसके एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत बार होता है कोई अमेरिकन फ़ोन करता है हमें, है कैन आई स्पीक टू आनंद प्लीज़, तो हम भी क्या दिखाते हैं कि हम तो हैं देसी लोग, तो हम भी उसका एक्सेंट कॉपी कर लेते हैं। वो बोलते हैं बॉस अगर मुझे भी अमेरिकन, मैं भी अमेरिकन एक्सेंट में बात करता हूँ, हे सर नो मिस्टर आनंद इज़ नॉट अराउंड, यू नो, देन यू स्टार्ट प्लेइंग, तो वो पता चल जाता है, दिस इज़ यू बी इन योर ओन टोन, यू बी इन योर ओन पिच, हमेशा गेस्ट की बात को सुनिए वो क्या बोल रहा है। अब आपने गेस्ट और गेस्ट को हमेशा फ़ोन पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो देना है, यू नो, कि ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन कट दिया। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी करने से पहले हम जैसे घर में बोलते हैं ओके ठीक है प्रणाम, फ़ोन रखते हैं या टाटा ओके बाय, हम जैसे घर में करते हैं वैसे ही हम गेस्ट को भी प्रोफेशनली जब हम फ़ोन एंड करते हैं, फ़ोन जब काटते हैं, वंस नाउ वी आर डन विद द कॉन्वर्सेशन एंड नाउ वी हैव टू पुट द फ़ोन डाउन, तो हम प्लीज़ बोलते हैं प्लीज़ अलाउ मी टू डिसकनेक्ट द कॉल, थैंक यू फॉर कॉलिंग एक्स वाई जेड होटल, हैव अ ग्रेट डे, यू नो, प्लीज़ अलाउ मी टू डिसकनेक्ट द कॉल,
प्लीज़ अलाउ मी टू डिस्कनेक्ट द कॉल, थैंक यू फॉर कॉलिंग एक्स वाई जेड होटल, हैव अ ग्रेट डे सर, या हैव अ नाइस डे सर, या हैव अ ग्रेट डे अहेड। ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हम प्रोफेशनली गेस्ट से, अब गेस्ट भी सोचेगा कि बॉस इसने फ़ोन बहुत ही खतरनाक तरीके से उठाया, इसने बात बड़े प्यारे तरीके से की, अब ये रखने के टाइम में भी प्रोफेशनल है, तो गेस्ट का भी एक माइंड सेटअप जो है चेंज हो जाता है कि नहीं यहाँ पे जब फ़ोन पे इतने प्रोफेशनल लोग हैं तो फ्लोर पे तो और प्रोफेशनल लोग मुझे मिलेंगे। तो दैट वर्बल हैंडशेक हमने फ़ोन से जो होटल को है बहुत ज़्यादा बिजनेस दे दिया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा या सहायता ज़रूर मिलेगी। बी कॉन्फिडेंट, बी पोलाइट, डो नॉट इंटरप्ट, और आराम से आप फ़ोन पे बात कीजिए। आनंद मिश्रा गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।